यूक्रेन के 6 शहरों पर परमाणु अटैक कर सकता है रूस, ये भी सोर्सेस बता रहे हैं। परमाणु हमले पर अमेरिकन एक्सपर्ट्स का बड़ा दावा, अमेरिकन एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं पोलैंड और रोमानिया बॉर्डर इलाके में रूस करेगा अटैक। पोलैंड और रोमानिया से होती है हथियारों की सप्लाई, पोलैंड और रोमानिया बॉर्डर पर जहां से हथियारों की सप्लाई होती है वो जगह चिन्हित कर ली गई है जहां ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगली अहम खबर देखिए, क्रिमिया ब्रिज धमाके पर ये बड़ा अपडेट आपके सामने, जांच करने वाली इन्वेस्टिगेटिव कमेटी ब्रिज पर पहुंची, जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई इन्वेस्टिगेटिव कमेटी कर रही है धमाके की जांच, और ये खबर सामने आने के बाद सीसीटीवी इस बारे में इशारा करता है कि वहां एक एक्सप्लोसिव से भरा हुआ ट्रक उड़ा लिया गया, इसको भी जांच में शामिल कर लिया गया है। सुबह करीब 6 बजे स्थानीय समय के मुताबिक 6 बजे इस पुल को धमाके से उड़ाया गया। अब ये स्थापित हो रहा है कि एक आत्मघाती हमलावर था। जंगी मैदान में यूक्रेनी आक्रामकता का लेटेस्ट वीडियो वो भी देख लीजिए, ये भी आपको देखना चाहिए। रूस की शहीद 136 ड्रोन पर भारी पड़ रहे स्काई वाइपर। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं, क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। की एंट्री एंटी ड्रोन गन से रूसी ड्रोन हो रहे हैं ढेर, जंग में जेवलिन और हिमार्स के बाद अब स्काई वाइपर यूक्रेन के लिए गेम चेंजर। पहले फेज में सिबाज सर ये बहुत अहम था कि जेवलिन और स्टिंगर का कैसे इस्तेमाल किया गया, दूसरे फेज में हाइमार्स गेम चेंजर हुआ, और अब कहा जा रहा है एंटी ड्रोन गन आ गई है। उसके स्पेसिफिकेशन में पीके श्रीवास्तव सर से समझूंगा, लेकिन ये कितना गेम चेंजर सर? बहुत। देखो सच्चाई ये है कि अगर आप लड़ाई का मोड देखें कि पहले डिफेंसिव हथियार दिए, आपको स्टिंगर मिसाइल दी, जेवलिन मिसाइल दी और स्विच ब्लेड ड्रोन दी, उसके बाद ऑफेंसिव हथियार हाईमार्स, तो हाई मोबिलिटी आर्टी रॉकेट सिस्टम है, उसके बाद वस्त्रबद्ध गाड़ियां, उसके बाद टैंक्स दिए। अब सिचुएशन ऐसी हो गई है, पलटा बिल्कुल बदल गया है। अब अटैक हो रहा है डॉनबास के इलाके में, जो हम बातचीत कर रहे हैं मास्कोवा और जो क्रिच ब्रिज था, दिस वॉर द सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ रशिया, वो आपने डिस्ट्रॉय कर दिए। जिस प्रकार से ये सबोटाज एक्शन हुआ है, दिस हैज बीन डन थ्रू द रशियन थ्रू द अमेरिकन ऑन द रशिया। माई पॉइंट इज, अब क्या कर सकता रूस? रूस के पास एक ही चीज है, या तो वो कहीं ना कहीं जीत क्या करेगा रूस सर ये यही दिखाना चाह रहे हैं हम। आपने जो कहा पहले डिफेंसिव और उसके बाद ऑफेंसिव हथियार दिए गए, जरा देखिए यूक्रेन ने जेवलिन से अटैक किया, पहले शुरुआत में जो हथियार दिए गए वो रक्षात्मक हथियार दिए गए, बहुत जल्दी से दिखाइए, पहले जो हथियार दिए गए वो रक्षात्मक हथियार थे, उसमें क्या हुआ? यूक्रेन ने जेवलिन से और स्टिंगर मिसाइलों से, जेवलिन से टैंकों पर हमला बोला, स्टिंगर मिसाइलों से एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया, उसके बाद हाईमार्स दिए गए, हाईमार्स ने रूसी फौज को खदेड़ा, खार्किव में भी हाईमार्स बहुत इंपॉर्टेंट रहे, और अब जो ईरानियन ड्रोन कहा जा रहा है शहीद 136 का इस्तेमाल रूस की तरफ से किया जा रहा है, उसको मारा जा रहा है स्काई वाइपर से। स्काई वाइपर मतलब आसमान में झाड़ू लगा देना, पीके श्रीवास्तव सर सही कह रहे हैं, आसमान में झाड़ू लगा देना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स भेजते हैं जो उनकी जीपीएस और ग्लेनस जो कनेक्टिविटी होती है उसको डिसकनेक्ट कर देते हैं, उसके बाद जो है ड्रोन एक नॉर्मल तरीके से गिर जाता है लाइक अ स्टोन, जिसको आपने देखा होगा कुछ वीडियो विजुअल्स आ रहे हैं कि वहां के जो यूक्रेनियन सैनिक हैं उसको हाथ में पकड़ ले रहे हैं, तो ये अपने आप में एक अलग शुरुआत है। वाइपर नाम है स्काई वाइपर, जैसे स्काइप को वाइप कर रहा है, वाइप करने के लिए वो जैमिंग का प्रयोग कर रहा है, जैमिंग से जीपीएस ग्लोनास जो आपको गवर्न करते हैं, जो नेविगेट करते हैं, ट्रैक करते हैं, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक ड्रोन मिटिगेशन सिस्टम 4, इसके जरिए उसको एक तरीके से डीएक्टिवेट कर दिया जाता। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं, क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।